नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे या 95 पार भी कह दे तो क्या अर्ज है? कुछ भी कह सकती कांग्रेस, कुछ भी कह सकती कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही समय बचा है, ऐसे में सभी सियासी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा हाई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के अब की बार 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कोई भी नारा दे, लेकिन कांग्रेस के तो वैसे कोई लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस 90 पार भी कह दे तो क्या हर्ज है? प्रदेश में कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति नहीं है, चाहे आपस की गुटबाजी है, चाहे जनता के बीच लोकप्रियता की बात है। सभी दलों के साथ मिलकर लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस ने जीती। इस बार विधानसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान के नाम पर तो कभी आरक्षण खत्म करने के नाम पर झूठ बोलकर जनता को बहकाने और गरीब आदमी को डराने का काम किया। चलिए आपको सुनाते हैं कांग्रेस पर तंज कसते हुए और क्या कुछ बोले कृषि मंत्री। नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे या 95 पार भी कह दे तो क्या अर्ज है? कुछ भी कह सकती कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो, चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफ़ी झूठ बोल दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको भी पता चल गया कि भी बकाने वाले लोग हैं, और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होएगा। तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से ये लोग जो हैं जिन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस को अगर वोट दिया तो अब की बार वोट देंगे। जी जब से मुख्यमंत्री बने वो दिन रात काम में लगे हैं, और हर प्रकार से, चाहे सरकार के जो काम हैं उसमें भी, और उसमें से टाइम निकाल के फिर जनता की बात सुनने लगे, और उसके साथ साथ लोगों के बीच में जाना, जनसभाएं करना, तो मैं समझता हूँ बहुत मेहनत तो आज की डेट में कर रहे हैं और लोगों के बीच में खूब लोग फिरेंगे। सर का कल्चर है ना जी, वो उसको कोई बुरा नहीं मानते, उनके यहाँ कल्चर है ऐसा, वो कहते हैं कि भाई उसमें ही बरकत है, उनके यहाँ ऐसी लड़ाई लड़ोई में बरकत समझते हैं, हमारे यहाँ एकता में बरकत है। हम समझते हैं कि भाई हम सारा एक मुखी होके चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो एक मुखी होके चलने वाले हैं वही देश को आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग आपस में एक नहीं है वो देश का क्या करेंगे, वहाँ तो अपने स्वार्थ ज्यादा है ना, तो वहाँ राजनीति जो है वो अपने अपने स्वार्थों के लिए है, यहाँ राजनीति जो है वो राष्ट्रहित के लिए है। जब एक उससे करेंगे, जब मेरे स्वार्थ होंगे तो स्वाभाविक है मेरा टकराव होगा, लेकिन जब जनता का जो हित है उसके लिए काम करूंगा तब मेरा टकराव।